काफी तेज होती है। यहाँ जो है प्यास लाल किए जा रहे हैं कासिम भाई, सच्ची में यूट्यूब पर हूं। और हमारे ये भाई लगे हुए हैं। Hi guys, it's your boy Tosif Khan back again with a new video। कैसे आप सब मजे में भाई? सीन ऐसे, आज ये ईद का चौथा दिन और हम लोग जा रहे हैं करली जेल। एक छोटा से ट्रेवल व्लॉग बनेगा, समझ रहे हो, काफी मजा आएगा, काफी तफरी करेंगे और काफी जो है मस्तियां करेंगे। सीन ऐसे, अभी बज रहे आई थिंक 5:30 हो रहे और मेरे साथ मौजूद है भाई द वन एंड ओनली साजिद। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? कहाँ जा रहे हो भाई सुबह सुबह? जहाँ हमारे को ईद के दूसरे और तीसरे दिन जाना चाहिए था वहाँ हम आज जा रहे हैं, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी कौम वाले, हम लेट जब तक नहीं होते तब तक हमें खुशी नहीं मिलती। खुशी जो अंदर से खुशी आती है ना, दिल से, वो चीज़ नहीं होती तब तक। तो भाई सीन ऐसे, बॉयस रेडी है, गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी जो आई है वो 4:30 पे आई है और काफ़ी लेट हो गए। सबसे पहले साजिद लेट हो गए, अभी एक बंदा अंदर है वो निकलेगा और वो सामने बॉयस रेडी है, तो अभी निकलेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा क्योंकि ट्रेवल व्लॉग बनेगा हमारा, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है तकरीबन आई थिंक 160 किलोमीटर रास्ता है, अगर मैं गलत ना हुआ तो 160 किलोमीटर रास्ता है। तो देखते हैं क्या सीन रहते हैं क्या नहीं। भाई हमारे साथ मौजूद है मुजाहिद कॉलोनी का रघु भाई। रघु भाई क्या पैगाम दोगे यार, हम लोग जा रहे हैं? अल्लाह आपको खैर खैर से सबको पहुँचाए, बच्चे भी साथ में, आराम बच्चे भी आना, आराम आराम से आ जाओ, अल्लाह खैर खैर बोले। बच्चों का ख्याल ये रखेगा, टेंशन नहीं भाई रखेगा, सही है। आप क्यों नहीं जा रहे हो? ऑफिस में ऑफिस जाओगे? हाँ आज मेरा ड्यूटी है, ड्यूटी। हाँ ना, ईद की छुट्टियाँ खत्म हो गई भाई। रघु भाई जाएगा फुल 50 तोला दिखा, 50 तोला भाई सीन ऐसे फुल भाई। टट्टी आएगी वॉशरूम में, तू टेंशन नहीं ले। पोटी पोटी बोला कर, टट्टी नहीं बोला कर, पोटी थोड़ा पोटी थोड़ा चल उससे बढ़ने के, थोड़ा वो लगूंगा, थोड़ा मम्मी डैडी ले जगह दे। पोटी पोटिया भाई सीन ऐसे भाई, सीन ऐसे इसमें पानी है और ये कूलर है, इसमें हम रखेंगे कोल्ड ड्रिंक और अपना बर्फ बर्फ ये अंडे गरम। ये तो बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा और ले। बंदे नहीं यार, जाओ मैनेजमेंट थोड़ी, आपकी सुस्त है, काफी सुस्त है। सुस्त क्या है, काफी सुस्त। कब पहुंचेंगे अब यार? 10 बजे के बाद ही मुझे लगता है। अभी नाश्ते के लिए भी रुकेंगे होटल में, कम से कम मेरा अंदाजा में घंटा तो वही लगा लेंगे। एक घंटा मतलब बहुत देर है। हम सालन रखेंगे, इसमें हम सालन गर्म करेंगे, पकाएंगे। हाँ ये देखो भाई, कुवत कुवत भी आ गया भाई। कुवत क्या कहना चाहेंगे? अपना बैग पकड़, कुवत क्या कहना चाहेंगे? क्या कर रहे हैं यार, बस जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? नींद नहीं हुई। ये हम लोग भाई जो है कल 24 घंटों से उठे हुए, ऐसे ही है ओके। यहाँ नाश्ते के लिए, क्योंकि नाश्ता काफ़ी लाजमी है, क्योंकि काफ़ी टाइट वाली भूख लगी है। सीन ऐसे है कि अभी बच रहे आई थिंक 7:30 हो रहे हैं, यहाँ हम लोग करेंगे नाश्ता। भाई जो भी कर लीजिए, चाचा से बर्फ लेने, चाचा के रेट सबसे मुनासिब है। चाचा कौन सी जगह? बालू को यार 30 रुपया मिलता है, हमारा अच्छा है। आपका अच्छा है, जगह बताओ, अपनी लोकेशन बताओ। बोलो उसको, बोलो ये बलोच बिरयानी वाला इधर खड़ा है इमाम मस्जिद के पास। बलोच बिरयानी के सामने भाई, ये चाचा से बर्फ लेने आपने, समझ रहे हो? बोलो उसको अल्लाह। हाँ ये नाम लिखा है क्योंकि चाचा जो है काफी सस्ता बेच रहे बर्फ, आगे 300 मिलेगा चाचा बोले, चाचा ने हमें दिया 150। भाई लोग कहानी इस तरह है कि तकरीबन 2 से 2.5 घंटे सफर के बाद हम लोग अपनी मंजिल पे पहुंच गए। ये देख सकते हो भाई, आज ये ईद का चौथा दिन,
और रश इतना नहीं है। हालांकि ईद के दूसरे और तीसरे दिन इतना रश होता है, इतना क्राउड होता है, बट अभी जो है इतना रश नहीं है क्योंकि आज है चौथा दिन। साजिद पहली बार आया है साजिद जाते हुए। धूप बड़ी तेज है यार, बहुत धूप तेज है, क्या एडवांस हो गया? आज बहुत गर्मी है, ये गोरे काले हो जाएंगे। सही है, कल इसका पता लगेगा। ₹250 शाम तक, ठीक है, सही है सब। ये छोटा वाला छोटा 200, बड़ा 250 शाम तक। हाँ, सुबह शाम जबरदस्त हो गया। सबसे पहले हम लोगों ने सेटअप लगा दिया, ये है अपना चिकन, समझ रहे हो, यहाँ होगी जबरदस्त किस्म की कुकिंग जिसमें पकेगी भाई पुलाव और चिकन, चिकन कढ़ाई पकेगी फुल जो है, यहाँ माहौल रेडी है भाई। इसमें पकेगा अपना पुलाव, क्या क्या पकाओगे यार? शर्मा से बिरयानी होगी इंशाल्लाह, बिरयानी होगी, पुलाव होगा ना? हाँ, पुलाव बिरयानी होगी। हाँ, और उसके बाद जो है ना अल्लाह का भला करे कढ़ाई कोरमा, और कोरमा होगा, कोरमा होगा जबरदस्त पुलाव होगी, अपनी पुलाव। ये हमारे चाचा बैठे हुए जो कटिंग मास्टर है, कटिंग मास्टर है भाई, जबरदस्त हो गए भाई। कासिम भाई जो है ये प्याज आलू काटेंगे, बिल्कुल मास्टर है, गाय की खाल उतारने के लिए बैठे, जबरदस्त भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कासिम भाई के लिए हेलमेट लाओ भाई, हेलमेट पहना हुआ है, चश्मे है आपके, आंसू नहीं निकलेंगे। चेंज कर लिया आपके भाई ने, समझ रहे हो। अभी हम लोग जाएंगे स्विमिंग के लिए क्योंकि धूप इतनी तेज है ना, यकीन मानो धूप काफी तेज है, तो सारा मजा जो है वो स्विमिंग का है, समझ रहे हो। और केंजेल लेक का जो है पानी काफी मीठा है और ठंडा है, और रज देख सकते हो भाई, समझ क्या माहौल है यार। प्लस पॉइंट ये कि हम लोग कुकिंग यहीं पे करेंगे, सारा जो मज़ा है वो कुकिंग का है, काफ़ी मज़ा आएगा भाई। कुकिंग हम लोग यहीं पे करेंगे, पुलाव और जो है कोरमा हम लोग यहीं पे बनाएंगे, तो उसमें काफ़ी मज़ा आएगा भाई। अल्लाह, यहाँ जो है प्याज लाल किए जा रहे हैं कासिम भाई, सच्ची में यूट्यूब पर भाई। और हमारे ये भाई लगे हुए टमाटर काट रहे हैं, जबरदस्त हो गया यूट्यूब किसी भी आई गोरा। और क्या हाल चाल है ये भाई? चिकन रश हो गया, सब पकाया है, कोरमा है ना अभी, पता नहीं है, काफी मेहनत कर रहे भाई। आदिल भाई जी जी, क्या सीन है यार? सबसे पहले क्या पकाना है? कोरमा, कोरमा सबसे पहले कोरमा पकेगा जी जी, फिर उसके बाद पुलाव, फिर पुलाव। मतलब आपका कितना एक्सपीरियंस यार, कब से लगे? बस दोस्तों के लिए रिसर्च की है। अच्छा, मतलब बना ले तो आपकी शादी होगी यार, यकीन मानो बीवी खुशकिस्मत होगी। सही है, ये हम वही लंच मंच स्टार्ट एकदम, समझ रहे हो, सारे मुतासरीन को बिठाए हम लोग ने। है कि अभी बज रहे 2 और हमारा लंच स्टार्ट हो गया है। लंच में जो है हमारे साथ ये किसको मोबाइल है, बीफ पुलाव, बीफ पुलाव और इब्राहिम से किए बगैर स्टार्ट, जबरदस्त भाई। कुवत भी साथ लगा हुआ है, बिना आसरे किए, आसरा क्या, आसरा कर बेटा, ये चीज काफी टाइट थी। और बिरयानी जो बनाई है वो हमारे आदिल भाई ने बनाई काफी कम टाइम में, और ये इसका मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अच्छी बनाई है भाई, काफी मतलब बेहतरीन बनाई है। क्या कहते हैं जुनेद, बेहतरीन है। और कोरमा भी बनाया, कोरमा भी हम लोग चेक करेंगे, कोरमा चेक कैसे थे, तूने तो चेक कर दी कोरमा, वीआईपी कोरमा पे हाथ है भाई, कैसी है, बेहतरीन है, दाव तो तीरा वाली जबरदस्त हो गया यार। टूल ना सीधा सीधा टा वीडियो पर जोड़े जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Thank you.
बेहतरीन कोरमा यार। और 4:20 और हम लोग ने जो है काफी इंजॉय किया करली झील में, केंजर झील में, तो काफी मजा आया। अब सीने से हम लोग निकलने वाले, अब सुनने में आ रहे कि हमें जाना है मज़ार, मज़ार को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि मज़ार में काफ़ी मज़ा आता है। कंफर्म नहीं है, अगर चले गए तो काफ़ी मज़ा आएगा, आप लोगों को भी दिखाएंगे। और यहाँ जो एकदम फिनिश हो गया भाई सब कुछ, अब सब कुछ जो है रेडी है, लड़के रेडी है बैठे हुए, और 2 मिनट में जो हम लोग निकलने वाले मज़ार। हाँ भाई लोग, सीन ऐसे है कि हम लोग अभी रुके हैं यहाँ मकली कब्रिस्तान में, काफ़ी पुराना काफ़ी तारीखी जो है ये कब्रिस्तान है टो में, और यहाँ जो हम लोग रुके हुए केंजर लेक से सीधा हम लोग यहाँ पे आए भाई। और यहाँ का जो व्यू है ना, ये देख सकते भाई, काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है भाई, ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है। ये भाई कब्रें, भाई सीन ऐसे कि मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी नहीं है, हालांकि यहाँ कोई जून जुलाई में जो आते हैं ना, इतनी सख्त गर्मी होती है कि मानो धूप काफ़ी तेज़ होती है। और आप देख सकते हो भाई, ये कहलाता है मकली कब्रिस्तान, मकली टॉम, काफ़ी तारीखी कब्रिस्तान है। जैसे अरतगल नहीं था, जैसे अरतगल के जो कबीला होते हैं, इसी तरह इनका सुनने में आया कि, मैंने सुना है कि इनका एक कबीला था और यहाँ ये लोग आबाद थे, और सारी को जो है कब्रें यहीं पे, ये देख सकते हो। और ये जो सामने कब्रें देख रहे हो आप, ये सामने, ये मतलब इनके सरदार जो बड़े थे, ये इनकी जो है कब्रें। काफ़ी जो है हिस्टोरिकल प्लेस है यार, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है भाई। देख सकते हो कितनी कदीम जगह है यार, और अभी तक जो है सलामत है, ये देख सकते हो ज़बरदस्त यार मतलब। और यहाँ काफ़ी लोग आते हैं फ़ोटो शूट के लिए, जो फ़ोटो शूट होते हैं ना वो ज़्यादातर यहीं पे होते हैं भाई। ये देख सकते हो यार, काफ़ी पसंद आया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा, प्रॉपर व्लॉग बनेगा इसका, समझ रहे हो, प्रॉपर व्लॉग बनेगा इसका। और काफ़ी टाइट है यार, मतलब तारीखी जगह है, और मुझे तारीखी जगह मतलब बेहद पसंद है, बेहद पसंद है यार, तो मैं उसको एक्सप्लोर करूँ, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम सही एक्सप्लोर करेंगे। ये देख सकते हो यार, मुबारक है। तो भाई ये है चुकंडी टॉम, काफी पुराना है और काफी प्यारी जगह है जो हम लोगों ने देख ली है। काफी टाइम से मैं कह रहा था कि यार मैं देखूंगा देखूंगा, बट मुझे अभी मिला मौका देखने। तो करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाजमी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो भैया जी फॉलो कर दे और वीडियो को लाजमी शेयर मार दे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।